हेलो फ्रेंड्स, टमाटो राइस बनाने के लिए सबसे पहले हम पुदीने के पत्तों को तोड़ लेंगे। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कुकर, उसमें ऐड करेंगे 3 चम्मच के बराबर तेल। तेल को गर्म होने देंगे। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। हमने आधा चम्मच लिया है ज़ीरा, आधा चम्मच सौंफ है और 8 से 9 दाने काली मिर्च के हैं, 2 लौंग हैं, 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची हैं, थोड़ा सा दालचीनी है और 1 तेज़पत्ता है। इसको हम तेल में ऐड कर देंगे। हमने 2 प्याज लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच कूटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। 5 हरी मिर्ची जिसको हमने पतली स्लाइस में काट लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको हम धीमी आंच पर आधे मिनट तक पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े साइज़ का टमाटर जिसको हमने कुछ इस तरह से काट लिया है, और इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार, और इसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्तों को भी ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 1 मिनट तक ढककर पकाएंगे धीमी आंच पर। 1 मिनट तक हमने इसको पका लिया है, इसको अच्छे से चला देंगे। हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है, देख सकते हैं। अब हम इसमें 1/2 कप के बराबर हरी मटर ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच लेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। 1/4 लेंगे लाल मिर्च पाउडर। 1 चम्मच के बराबर इसमें लेंगे घी। हमने 1 गिलास के बराबर चावल लिया है, इसको हमने 5 मिनट तक पानी में पहले से धुलकर भिगा लिया था, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें फ्रेश धनिया पत्ती और पुदीने के पत्तों को भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम 1 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। 1 मिनट तक हमने इसको पका लिया, अब इसको अच्छे से चला देंगे। अब हम इसमें 2 गिलास के बराबर गर्म पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद इसको हम मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे। फिर हमारी टमाटो राइस रेडी हो जाएगी। हमारी टमाटो राइस रेडी है, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।